देखिए प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे इंद्र देवता राजस्थान से राजस्थान पे इस बार अच्छे मेहरबान रहे। हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकांश जो बांध है वो भर चुके हैं और हमारी भजन लाल जी की सरकार का ये पहला मानसून है और पहले ही मानसून में अच्छी वर्षा हुई और विशेष तौर से हम आज बिसलपुर के गेट खोलने आए हैं क्योंकि बिसलपुर लबालब हो गया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि वो जब से मुख्यमंत्री बने तब से राजस्थान की जनता को कैसे अधिक से अधिक पानी मिले और किस तरह से ERCP का पानी राजस्थान के अनेक हिस्सों में पहुँचे, किस तरह का यमुना का पानी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों के अंदर पहुँचे और दिन रात वो इसमें मेहनत कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इंद्रदेवता भी खुश होकर हमारे राजस्थान प्रदेश के अधिकतम जलाशय है वो लबालब हो चुके हैं और बिसलपुर हमारे प्रदेश के कई जिलों के लिए लाइफलाइन है, जीवनदायिनी है, हमारे किसानों के लिए जीवनदायिनी का बिसलपुर काम करता है। तो आज सुखद क्षण है कि हम बिसलपुर के गेट खोल रहे हैं क्योंकि बिसलपुर बिल्कुल लबालब हो चुका है। प्रदेश भर के सभी बांध लबालब हो चुके हैं पीने के लिहाज से और सिंचाई के लिहाज से, उनको व्यवस्थित किस तरह से किए जाने का? देखिए हमारे विभाग के जो इंजीनियर है दिन रात लगे हुए हैं, हम योजनाबद्ध तरीके से वर्षा से पहले ही हमने जो हमारे गेट है प्रदेश के अधिकांश जो बड़े बांध है उनका मेंटेनेंस का काम, रिनोवेशन का काम हम कर रहे हैं, वो निरंतर भी चालू है, आगे भी रहेगा। प्रदेश की जनता को पीने के पानी की किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे, किसानों को जो सिंचाई का पानी मिल रहा है ऑलरेडी उसमें किसी प्रकार की हम कटौती नहीं करेंगे और हम तेजी से किस तरह से बांधों की जो संरचना है वो आगे बढ़ सके, किस तरह से हमारा जो सरफेस वाटर है वो बच के और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका कैसे उपयोग कर सके इस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए ERCP को लेकर हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारी भजन लाल जी की सरकार बहुत संवेदनशील है और जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के तुरंत बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश और केंद्र की मध्यस्थता के अंदर MOU हुआ, लगभग हमारी DPR बिल्कुल तैयार है, मध्य प्रदेश की भी तैयार है, हमने केंद्रीय जल आयोग है उनको सबमिट करा दी है, जल्दी हमारा आगे का जो काम है वो स्टार्ट होगा। प्रथम पेश के जो टेंडर है वो हमने कर दिए है, उस पर वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है, जल्दी उस पर काम चालू है, लैंड एक्विजिशन का काम हमने स्टार्ट कर रखा है। तो निश्चित रूप से ERCP का पानी आने के बाद बिसलपुर सदा लबालब रहेगा और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों के अंदर पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, इसलिए हम तेजी से ERCP पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे DPR है कहां पर ERCP? देखिए कांग्रेस के नेता हमेशा ERCP को लेकर बात करते रहे, जनता को सिर्फ भ्रमित करते रहे। DPR हमने केंद्रीय जल आयोग को सबमिट करा दी है, मध्य प्रदेश ने भी करा दी है और जल्दी केंद्रीय, क्योंकि इन सब का निर्णय केंद्रीय जल आयोग लेता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने अपनी जो DPR वहाँ सबमिट कराई है वो दोनों को मिश्रित करके केंद्रीय जल आयोग इसको पब्लिश करेगा, पब्लिश करने के बाद वो सबके सामने आएगी।